नमस्कार दोस्तों, साइंस की मदद से हमने काफ़ी स्पेस एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है। तो आज इस वीडियो में आपको साइंस की एक और ऐसी खोज के बारे में बताने जाना हूँ जो पिछले महीने ही हुई है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के सबसे सुदूर ज्ञात खगोलीय पिंड को ढूंढ निकाला है। सौरमंडल में होते हुए भी है इतना दूर है कि इसे आम बोलचाल में फाराउट नाम से जाना जाने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता घूमता गुलाबी रंग का बर्फीला शुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड सौरमंडल में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से करीब 120 से 130 गुना ज़्यादा दूर है। वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ने बताया है कि इस शुद्र ग्रह को आधिकारिक रूप से 2018 VG18 नाम दिया गया है और अनुमान है कि इसका व्यास करीब 500 से 600 किलोमीटर है। हमारे सौरमंडल में करीब 50 शुद्र ग्रह है। इनमें सबसे बड़ा प्लूटो था जिसका व्यास 2370 किलोमीटर था। इसके अलावा एक और शुद्र ग्रह है एरियस जिसका व्यास 2325 किलोमीटर है। अभी वैज्ञानिक फारोट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि पिछले महीने ही इसकी खोज हुई है और इसकी चमक से इसके आकार का पता लगाया जा सकता है। वास्तव में वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इसका रंग गुलाबी नहीं लाल है और यह शायद बर्फ से भी ढका हुआ है। जब भी सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तब यह लाल की बजाय गुलाबी नजर आता है। वैज्ञानिकों को फारोट का पता सौरमंडल के सुदूर पिंडों की खोज के दौरान पता चला। इसमें एक और संभावित ग्रह एक्स भी है जो पृथ्वी के आकार से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फारोट की गति इतनी धीमी है कि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में ही 1000 साल से अधिक वक्त लगेगा। सौरमंडल के दूसरे सबसे दूरस्थ पिंड एरियस को वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। यह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से 96 गुना अधिक दूर है। इसके अलावा प्लूटो भी था जो करीब 34 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कमेंट करके बताइए ऑडियो कैसे लगी। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।